नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपकी हेल्थ से सीधा संबंध तो नहीं रखते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कुछ सेफ्टी टिप्स जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं, खासकर लड़कियों और औरतों के लिए। ये बातें आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बाहर निकलें, खासकर ऐसी जगह जहां आपके लिए अननोन लोग हों, अननोन रास्ता हो, तो वहां पर थोड़ी सेंसिबल ड्रेस जरूर पहनें, यानी कि भड़कीली ड्रेस बिल्कुल न पहनें। यह आपको सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन कुछ अध्ययनों से पता लगा है कि जब लड़कियां भड़काऊ ड्रेस पहनती हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ के मामले थोड़े बढ़ जाते हैं। हम औरतों की आज़ादी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन यह आपकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी सलाह है। तो जब भी आप किसी अनजान रास्ते, अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच में जाएं, तो ऐसी ड्रेस पहनें जो कि आपके पूरे तन को ढकती है। दोस्तों, कोशिश करें जब भी आपको रात को बाहर निकलना हो तो ग्रुप में निकलें, यानी कि आपके साथ आपकी फैमिली का कोई सदस्य अवश्य हो, या फिर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो जब भी बाहर आपको अंधेरे में निकलना हो तो ग्रुप में निकलें, अकेले बिल्कुल भी नहीं। आने जाने के लिए ऐसे रास्तों का प्रयोग करें जो ज्यादातर बिजी रहते हों, यानी कि कभी भी सुनसान गली, सुनसान रास्ते का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इस तरह के रास्तों पर, इस तरह की जगहों पर छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रैवल करें, खासकर अकेले ट्रैवल करें, तो कोशिश करें कि स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह का यूज न करें, सदैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, यानी ऐसे ट्रांसपोर्ट का यूज करें जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो और उसमें पर्याप्त संख्या में लोग यात्रा करते हों। किसी भी प्राइवेट टैक्सी को हायर करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कोशिश करें कि जब भी आपको अकेले ट्रैवल करना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी प्रयास करें कि आप जनरल डिब्बे की बजाय लेडीज कोच में ही यात्रा करें, या लेडीज सीट ही ग्रहण करें, या फिर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से ही जा सकते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अवश्य लें। आजकल के भागदौड़ के जीवन में यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लिए समय निकालें, अपनी सेफ्टी के लिए समय निकालें और सेफ्टी ट्रेनिंग अवश्य लें, जो कि आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। आज के समय में आपका फोन सबसे अच्छा साथी है। जब भी आप बाहर निकलें, ये सुनिश्चित कर लें कि आपके फोन में पर्याप्त बैटरी हो, यानी कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे उससे पहले बैटरी खत्म न हो जाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और सदैव अपने फोन में कुछ एप्स अवश्य इंस्टॉल करें जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। बहुत से वुमेन सेफ्टी एप्स एंड्रॉइड फोन के लिए अवेलेबल होती हैं, तो उनको अवश्य इंस्टॉल करें। इसमें आपकी गतिविधि को पहचान कर ये एंड्रॉइड ऐप इमरजेंसी कॉलिंग और इमरजेंसी अलार्म की भी सुविधा उपलब्ध कराती हैं। जब भी आप अपने गंतव्य के लिए निकलें, तो सदैव अपने किसी परिचित और बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को अपने निकलने की सूचना अवश्य दें कि आप किस रास्ते से आएंगे और आप निकल चुके हैं या नहीं। यदि आपका रास्ता ज्यादा लंबा हो तो बीच बीच में फोन करके अपने परिचित व्यक्ति को यह बताते रहें कि आपकी अब सही लोकेशन क्या है। यानी यदि आपकी 2-3 घंटे की ट्रैवल है तो बीच बीच में अपने परिचित को फोन करके या अपने घर वालों को फोन करके यह बताते रहें कि आप अब फिलहाल कहाँ पे हैं और कितनी देर में पहुंच रहे हैं। अपने फोन में सदैव इमरजेंसी नंबर जैसे पुलिस स्टेशन, महिला हेल्पलाइन आदि का नंबर अवश्य सेव रखें, और कोशिश करें कि वह आपको जबानी याद भी हो। यदि कोई व्यक्ति या लोगों का समूह आपका पीछा करने की कोशिश कर रहा हो तो उसका फोटो तुरंत स्नैप कर लें, इससे आप उसका मनोबल तोड़ने में सफल होंगे। और इस तरह के मामलों में ज्यादातर पीछा करने वाला व्यक्ति स्वयं ही आपका पीछा छोड़ देता है।
अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस रखें। कभी भी सिर झुकाकर या डरकर बिल्कुल न चलें। चाहे आप अंदर से कितना भी डरे हुई हैं, लेकिन कभी भी यह बाहर प्रदर्शित न होने पाए। सिर उठाकर कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके चलें और जल्दी से जल्दी ऐसे स्थान को क्रॉस करने की कोशिश करें जहां पर आपके साथ छेड़छाड़ की संभावना ज्यादा है। अपने आसपास के लोगों की मूवमेंट के प्रति सावधान रहें, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हों जिनकी गतिविधियां अच्छी महसूस न हो रही हों, जैसे कि ऐसे लोगों का समूह जो लड़कियों पर फफतियां कसते हों या उनको गलत निगाह से देख रहे हों। जालसाजी से अवश्य बचें। ज्यादातर महिलाएं सहानुभूति का प्रतीक मानी जाती हैं और वह दूसरों के प्रति काफी सहानुभूति रखती भी हैं और किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें, वो भी जब आप अकेली हों। यदि आपको किसी की हेल्प करनी भी पड़ जाए तो किसी की गाड़ी के ज्यादा करीब बिल्कुल न जाएं, क्योंकि वह आपको अपनी गाड़ी के अंदर खींच सकता है। कोशिश करें अगर आप अकेले हों तो हेल्प ना ही करें तो ही ज्यादा बेहतर है। उन लोगों से खासकर बचकर रहें जो किसी के साथ आपको अनजाने में ही मिल गए हों, यानी कि आप उनको अनौपचारिक रूप से ही जानते हों, वो किसी के साथ आपसे मिले हों और आपका उससे अच्छा परिचय न हो। जब आप घर में अकेले हों या कोई साथ में भी हों तो भी अपने दरवाजे को लॉक रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, इलेक्ट्रिसिटी मैन या प्लम्बर इत्यादि, उनके लिए दरवाजा न खोलें। यदि खोलना भी पड़ जाए तो पहले की होल से जाकर उसकी स्थिति का जायजा अवश्य ले लें। जहां पर भी आप जा रहे हों तो अपने साथ मिर्च स्प्रे अवश्य रखें। यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो इसे आप अपने हथियार के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर में एकदम से अनजान व्यक्ति की बढ़ने वाली गतिविधियों की जानकारी अपने घर वालों को या अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य दें। यदि किसी की गतिविधियां संदिग्ध हैं या निगाहें गलत हैं तो उसकी जानकारी भी आप अपने परिवार वालों को अवश्य दें। कई बार औरतों के लिए घर में भी कोई मुसीबत बन सकता है तो इसकी जानकारी आप महिला हेल्पलाइन नंबर को या नजदीकी पुलिस स्टेशन को अवश्य दें। इसके अलावा आप अपने किसी विश्वसनीय परिचित की भी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है यह टिप्स आपके बहुत काम के होंगे। आगे इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।